मेकर, घर ले आने की खुशी में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस रोटी मेकर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है यह हम आपको बताएंगे। आपको सॉकेट में इंसर्ट कीजिए। इंडिकेटर लाइट के अपने आप बंद होने का इंतजार करें। लाइट बुझने में लगभग 4 मिनट लगते हैं। ध्यान रहे आटा सामान्य से थोड़ा नरम गूंदा हुआ हो। एक इंच रेडियस का आटा लीजिए। आटे को प्लेट की पिछली बाजू रखें। प्लेट और हैंडल को तुरंत बंद कीजिए। 1-2 सेकंड में प्लेट वापस खोलिए। 10-15 सेकंड्स के बाद बबल्स दिखने पर रोटी को पलटिए। 15-20 सेकंड के बाद रोटी को फिर से पलट के प्लेट बंद करें। कुछ ही देर के बाद रोटी फूलकर तैयार हो जाएगी। आटे की लोइयां इस तरह ना रखें। हल्का चपटा करके आटे को प्लेट की पिछली बाजू रखें। अगर रोटियां टूटती बिगड़ती हों, तो शायद आपने आटा कुछ ज्यादा ही कड़ा गूंदा होगा। इसे मुलायम बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी और जरा सा तेल मिलाएं। सिर्फ महीन पीसे आटे का ही इस्तेमाल करें। प्लग को सॉकेट में इंसर्ट कीजिए। इंडिकेटर लाइट के अपने आप बंद होने का इंतजार करें। लाइट बुझने में लगभग 4 मिनट लगते हैं। 1 इंच रेडियस का आटा लीजिए। आटे को प्लेट की पिछली बाजू रखें। प्लेट और हैंडल को तुरंत बंद कीजिए। 1-2 सेकंड में प्लेट वापस खोलिए। 10-15 सेकंड के बाद बबल्स दिखने पर रोटी को पलटिए। 15-20 सेकंड के बाद रोटी को फिर से पलट के प्लेट बंद करें। कुछ ही देर के बाद रोटी फूलकर तैयार हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन मैनुअल को एक बार जरूर पढ़ें। रोटी के अलावा इस प्रोडक्ट में आप खाकरा, पापड़ और पराठे जैसी कई चीजें बना सकते हैं। गरमा गरम।